न उन्होंने कभी इस तरफ ध्यान दिया है। आज हम भंडारे जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, घूमने। दोसा से निकलते ही चाय पीने का मन किया, लेकिन पराठों को देखकर मन मचल गया और पेट पूजा में लग गए। वैसे तो सर ये भंडारे क्या वैसे चोरी का कस्बा रहा है। बड़े बुजुर्ग ऐसे बताते हैं कि भाई ये तीन बार उगड़ा, तीन बार से पहले जब इसका नाम चंपावती बताते हैं, तो चंपावती के बाद में फिर ये वापस उगड़ा, फिर दोबारा बसा, तो उसका नाम भद्रावती, फिर भद्रावती के बाद फिर उगड़ा, फिर दोबारा बसा, तब यहाँ के भांड लोग, भांड जाति के लोग निवास करते हैं, तब उसके बाद में उसका नाम भंडारे पड़ा। से बताते हैं कि माधो स्मृति की जैसे 13 कोठड़ी थी, उनमें ये एक कोठड़ी भंडारे भी थी, तो यहाँ से लगान करते थे नायला, नायला में नायलावाड़ा जाता था वहाँ जयपुर में, तो यहाँ राव जी का शासन था, राव जी का भी किला भी है यहाँ, और अब आज उस किले को उन्होंने हेरिटेज रूप दे के एक होटल का रूप दे दिया। यहाँ से सर अपन जहाँ से बैठे यहाँ से 5 किलोमीटर दूर और जिला मुख्यालय से ये 12 किलोमीटर, अभी फिलहाल इसको तहसील का दर्जा दे दिया। दौसा जिले की सबसे बड़ी तहसील है, सॉरी पंचायत है, पंचायत। हाँ भंडारे का आचार प्रसिद्ध है, भंडारे का आचार जैसे भुसावर का आचार वैसे भंडारे का आचार, भंडारे की जूतिया भी है फेमस। अच्छा जूतिया। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिलीप सिंह गुजर, लोकल तो बहुत कम आते हैं, फॉरनर्स को आते हैं। हाँ फॉरनर्स आते हैं। ऐसे क्यों जनते बताते हैं सर ऐसे कि भाई क्योंकि यहाँ दो तीन चीज़ें हैं सर, हमारे एक आलूदा गांव पड़ता है पास में, तो आलूदा में भी एक ऐसा ही बहुत बहुत ही पुराना हिस्टोरिकल कुंड है, उसको यहाँ हमारे लोकल लैंग्वेज में कबाड़ा बोलते हैं, कबाड़ा। तो ऐसे बताते हैं कि भाई भंडारे में 3 बावड़ी हैं सर, तो तीनों बावड़ी आलूदा कबाड़ा और ये जो है ना अपने आबंदरी की बावड़ी, ये एक ही रात में बनाई गई। तो अब ये क्या अगर इस चीज़ को किसी आस्था से जोड़ देना सर, जैसे ये गोपालगढ़ मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है भंडारे में, बहुत अच्छा स्थान है, बहुत पुराना और हिस्टोरिक टेम्पल है सर, बड़ी आस्था से जागरूकता की, यहाँ के लोकल लोग बिल्कुल अभी इस चीज़ को लेके इन सब चीज़ों में इतनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो मतलब कि लोग अपनी विरासत है, अपनी धरोहर है, और इनके बारे में अभी तक लोगों को जानकारी नहीं है। ध्यान नहीं दिया गया तो कुछ समय में, कुछ सालों में ये धरोहर हमारे हाथों से छिन जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे लोकेशन देखी है जहाँ पे इतनी सुंदर बावड़ी, इतने सुंदर महल है, लेकिन उसका कोई भी किसी ने ध्यान नहीं दिया और उसकी वजह से वो चीज़ खत्म होने की कगार है और संभवतः कुछ सालों में हो जाएगी। अब जैसे भंडारेज है, भंडारेज का किताबों में एक नाम आता है कि पुराना शहर था, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी वहाँ पे प्रयास नहीं हुआ कि लोगों का इंटरेस्ट हो, लोग वहाँ पे आए, देखें वहाँ के जो पुराने महल हैं, पुराने मंदिर हैं, पुरानी बावड़ियाँ हैं, ये जो तीनों चीज़ें हैं जो वहाँ की विशेषता है। पास में देखेंगे अपने अबानेरी में एक बावड़ी है और एक पुराना वो मंदिर है, लेकिन वर्ल्ड लेवल के ऊपर वो जगह फेमस हो गई, क्योंकि हमने किया उसको, हमने उसको प्रोटेक्ट किया, प्रोटेक्ट करने के बाद में और वहाँ सारी फैसिलिटीज अवेलेबल करवाई। बावड़ी मंदिर था जिस हालत में था, हमने उसको वहाँ उसी में मेंटेन रखा। ऐसे जो भी मोन्यूमेंट्स है, ऐसे जो भी धरोहर हैं जो अभी लोगों की पहुँच में, इस तरह के लोगों की पहुँच में नहीं है, उनको लाया जाए। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा क्या है तो भंडारेज में? भंडारेज एक ऐतिहासिक स्थल है, उसके बारे में सुना है। तो भंडारेज कस्बे में घुसने से पहले आपको ये पुरानी बावड़ी के दर्शन, काफी जीर्ण शीर्ण अवस्था में, बहुत ही उपेक्षित, ये है पहली बावड़ी को आज देखने के लिए आए। ऐसे ऐतिहासिक महत्व के स्थल किस उपेक्षा के शिकार? दौसा जिले में भंडारेज कस्बे में घुसने से थोड़ा सा पहले बाईं तरफ ये बावड़ी। ये देख रहा हूँ कि बहुत ही अफसोस जो मुझे हो रहा है कि इतनी जो पुरातन महत्व की बहुत ही प्राचीन बावड़ी है ये,
और इसका ये हाल यहाँ के जो लोकल जो वासिंदे हैं, न उन्होंने कभी इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दें, इन चीजों की तरफ जो इस गांव में अनेकों ऐसी विरासतें हैं जो आप देख रहे हो, ये जैसे उपेक्षा शिकार है वैसे ही और चीजें भी। ये है प्रसिद्ध बड़ी बावड़ी भंडारेज कस्बा, जयपुर से 65 किलोमीटर दूरी पर स्थित। कई शानदार स्मारक यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। दौसा जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत, 20,000 से ज्यादा यहाँ पॉपुलेशन है। बावड़ी स्थापत्य के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी हो तो राजस्थान में बहुत सी ऐसी प्राचीन बावड़ियां हैं जहां आकर आप न केवल प्राचीन स्थापत्य कला के दर्शन कर सकते हैं बल्कि इन ऐतिहासिक विरासतों को देखकर हमारी जो प्राचीन विरासत है उसके दर्शन कर सकते हैं, उस समय की उपलब्धियों के बारे में जान। बुजुर्ग से चला आ रहा है, ये तो पता नहीं कब की है, या भगवान की बारी है, पूजा होती है, और पता नहीं कितने साल पुरानी है ये, और ये भूमिया के नाम से प्रसिद्ध हुआ है, लेकिन पानी नहीं है इस समय पीछे है। ये है बावड़ी, नीचे से जा सकते हैं। 1789 में बनी हुई, इतना शानदार नमूना स्थापत्य कला। जो भी धार्मिक क्रियाकलाप होते थे उनको संपन्न किया जाता था, साथ साथ जल संरक्षण की एक अनूठी पद्धति जो संपूर्ण राजस्थान में प्रसिद्ध है, इसे ही कहा जाता है बावड़ी या बावली। बहुत ही शानदार ये गलियारा है। और बड़े स्कूल से बोलते हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल वाले इस बोल रहे हैं, रुचि के दूर दूर से भी देखने लिए बाहर से आते हैं। वैसे कल शूटिंग हो रही थी इसके अंदर, जैसे शूटिंग होती है गानों की शूटिंग हुई थी इसके अंदर, काफ़ी देखने लिए अच्छी है, अब सफाई हो गई इसके अंदर। कमलेश कुमार सैनी और मैं ग्राम पंचायत भंडारेज का रहने वाला हूँ। इससे पहले इसका नाम भद्रावती रखा गया था। इसके अंदर दो बावड़ी है देखने लायक, और एक अंग्रेजों के टाइम महाराजा ने एक होटल बनाई थी, ये होटल भी भद्रावती पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है यहाँ पे। और ये पैलेस दो बावड़ियाँ हैं भंडारेज में, एक ये है और एक है, ये एक ही टाइम तीन बावड़ियाँ बनाई गई थी, एक ये, दो तो भंडारेज में, एक और एक आबानेरी में जो चांद बावड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ बाहर के पर्यटक बहुत सारे घूमने के लिए आते हैं, और इसके देखने के लिए हमारे गाँव से, गाँव में ऐसा कुछ भी नहीं है, और यहाँ की मरम्मत भी काफ़ी अच्छी है, इससे भी बहुत सारे पर्यटक घूमने आते हैं, तो ये काफ़ी प्रसिद्ध हमारे बावड़ी सूखी है। ये पहले काफ़ी पानी रहता था यहाँ पे, 11,000 से 12,000 वोटिंग है इस गांव में, क्योंकि जिस इलाके की जनसंख्या 5,000 से 6,000 है उसको नगर पालिका घोषित किया गया है, लेकिन हमारे गांव में 11,000 से 12,000 वोटिंग होने के कारण में हमारे गाँव को वही गाँव के उप तहसील रखा गया है, तहसील भी नहीं। ये पुराने कुएं का रास्ता, मैं सर भंडारेज गांव का निवासी हूँ, मधुसूदन शर्मा मेरा नाम। यहाँ जो भंडारेज में प्रसिद्ध स्थान है भद्रावती पैलेस है, ये अपने यहाँ के जो ठाकुर थे रावल रघुवीर सिंह जी, उन्होंने बनवाई थी, पहले गढ़ था अब हेरिटेज होटल बनवा दी। ये प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध, यहाँ फॉरेनर्स भी आते हैं। और ये आप जो देख रहे हैं जहाँ से मैं बोल रहा हूँ, ये भंडारेज की बावड़ी है, ये विश्व प्रसिद्ध है, यहाँ भी फॉरेनर्स आते हैं। एक यहाँ प्रसिद्ध गोपाल जी का मंदिर है गोपालगढ़, वो भी राजा महाराजाओं के जमाने से बनाया हुआ है। और यहाँ का सबसे प्रसिद्ध आचार भी है सर, भंडारेज का आचार बहुत प्रसिद्ध है। और यहाँ पहले लोहे के बर्तन बनते थे, यहाँ के लोहार है ना,
वो यहाँ के लोहे के बर्तन जयपुर तक जाते हैं। लोग बताते हैं कि तीन भागों में बटा है ये। पहले उलट पुलट हो गया था, पहले चंपावती था, फिर ये भद्रावती हुआ, अब ये भंडारी है। इस प्रकार यहाँ ये चीजें देखने की, ग्रामीण गांव में सुविधाएं सब है यहाँ, लेकिन तीन चीज प्रमुख है जो फॉरेनर्स भी आते हैं यहाँ। फिर भंडारी की बावड़ी देखते हैं, चांद बावड़ी भी जाते हैं जो पास ही आबानेरी है, और यहाँ के बर्तन आचार। यहाँ पहले दरिया और बनती थी सर, जो यहाँ के महावर है समाज वो दरिया बनाता था जो विश्व प्रसिद्ध थी, और चमड़े का काम भी होता था यहाँ, जिनकी जूतियाँ जयपुर तक जाती थी और स्टाले लगती थी। ये बहुत पुराना गांव है, मेले लगते थे, बड़े लोग बताते थे कि यहाँ ये तीन बार उजड़ा हुआ बना हुआ है। और यहाँ बावड़ी वाले हनुमान जी, इनका भी मेला लगता था, बहुत विश्व प्रसिद्ध मेला था यहाँ बावड़ी वाले हनुमान जी का। पास में ही यहाँ अलूदा है, मकुबाना है। लोग बताते हैं कि एक ही रात में बने हुए हैं, बड़े लोगों का कथन है कि एक रात में बनाई हुई है किसी की, भंडारीज की बावड़ी, आबानेरी का कुंड और अलूदा के कुबाना। देखो ये मूर्ति विराट मूर्ति है, इसको मतलब बुजुर्गों के हिसाब से ये यहाँ के राजा थे ना, ये काबुल से जीत के लाए थे, इनको जीत के ले आए थे, काफी खजाना लेके आए थे, सेनापति दरबार किए थे सेनापति, तो इन्होंने विश्राम किया, फिर भूल गए, तो इन्होंने यहीं पे इनको विराट मान कर दिया, रिले के दाने लगे तो इन्होंने मना कर दिया। मैंने यही चाहता कि ध्यान मेरे को बिठाओ मैं हूँ, उसके बाद फिर इनका मंदिर बना दिया, और जो भी माल खजाना लाए थे कहते हैं कि सब यहीं छोड़ दिए। और वैसे विराट मूर्ति है, मेरे को तो लाइट मिलती है दिखती है, मैंने कभी इस तरह का ज्ञान नहीं दिया, लेकिन इनकी कृपा से मैं आपकी अब से आगे की मतलब डे बाई डे चीज बता सकता हूँ। मैं न तो एक पैसा देता हूँ, न मेरी मतलब कोई वेट है, मेरी तो वेट चाहिए है कि आप मतलब प्रसन्न रहो, आपका मतलब आगे भविष्य भगवान की है। और आजू बाजू में तीन राधा रुक्मणी है, लक्ष्मी से काफी कहते हैं, और वैसे इनके दो घरवारी है, राधा और रुक्मणी, राधा और ये वृंदावन से आई थी, यहीं पे छोड़ दी, यहीं पे विराज। कितना पूरा प्राचीन मंदिर है ये सब इसके साथ, 300-400 साल हो गए, कम से कम 300 साल, और इसमें पुराने जमाने की आशीष है, इसमें कोई वो नहीं है। और जितना भी जो भी भगवान का जो रूप आए थे ना, स्वरूप आए थे, उसकी सारी लीला है, और नए कलयुग में जो अवतारलिंग कलयुग का उसकी भी इसमें दे रखी है। उम्र आपकी बहुत डिसीजन पावर कमजोर है, सारे घरे आपने पड़ी है। मोतीलाल जी कैसा लगा आज का ट्रिप? अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा आपका यार? अच्छा लगा। आपका भाग्य दिखा दिया यार, इससे ज्यादा क्या होगा, आपका भाग्य दिखा दिया भाई मोतीलाल जी, भाग्य तो यार तगड़ा बता रहा है यार। यही है रास्ता, थोड़ा सा आगे हो गया रास्ता, तो वो था लेकिन ये रास्ता वहाँ मिल जाएगा, ये रास्ता तो लग नहीं, थोड़े से भटक गए गाँव में, लेकिन भटकाव जिंदगी में जरूरी है, तभी आप सही रास्ते पर पहुंच पाते हैं। वो ठीक रहा, अपने पूछ लिया। हाँ ये सही है, यही है। अभी चल पड़े हैं आलूदा की तरफ। आलूदा, आलूदा दोसा का वो ऐतिहासिक गांव है जहाँ बना हुआ पहला तिरंगा भारत की आजादी के प्रथम वर्ष पे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के द्वारा लाल किले पर फहराया गया था, और ये आलूदा खादी के लिए फेमस है, खादी के वस्त्र और खादी से बनी हुई चीजों के लिए काफी प्रसिद्ध गांव रहा है। अनिल जी अच्छी ड्राइविंग कर रहे हैं, ऐसा विश्वास नहीं था जयपुर से चले तब कि इतना बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे, लेकिन लगातार परफेक्शन की ओर बढ़ते हुए
बत्तीलाल जी साथ हैं, आप सब जानते हैं बत्तीलाल जी के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में। राहुल किशोर शर्मा जो है ये 200 से थे और ये खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के वर्षों तक अध्यक्ष इसी वजह से तो रहे, क्योंकि यहाँ की आलूता की वजह से।